ह्युंडई सोनाटा, इसकी फर्स्ट जनरेशन 1985 में आई थी और उसके बाद ओवर द ईयर्स इसकी नई जनरेशन आती रही एंड देन 2019 के अंदर इसकी 8th जनरेशन आई थी। जो 8th जनरेशन थी वो बाकी तमाम जनरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था एक तो बहुत ही प्यारा था और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो इसकी टेल लाइट्स थी वो होंडा सिविक 10th जनरेशन के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती थी। और इसके लॉन्च के बाद पीपल सेड कि ह्युंडई ने होंडा को कॉपी किया है। 2019 के अंदर इसकी सेल स्टार्ट हो गई थी और ओवरऑल इसने ग्लोबली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पे टोयोटा कैमरे 2.5 लाख बिक रही थी एक साल के अंदर और होंडा कोड जो थी वो भी 2.5 लाख के करीब बिक रही थी, ह्युंडई ने अमेरिका में सिर्फ 50,000 सोनाटा को बेचा। 2021 के स्टैट्स के मुताबिक टोयोटा ने अमेरिका के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब टोयोटा कैमरी सेल की थी और होंडा ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब होंडा कोड सेल की थी, और उसके कॉन्ट्रास्ट में ह्युंडई ने सिर्फ 55,000 ह्युंडई सोनाटा सेल की थी। और 2021 में ह्युंडई निशात ने इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया और ये ह्युंडई निशात की पहली गाड़ी थी जो कि ग्लोबली और पाकिस्तान दोनों सेम गाड़ियाँ थी। उसके अलावा अगर हम ह्युंडई इलांट्रा को देखें और टूसॉन को देखें, ये दोनों आउटडेटेड मॉडल्स हैं, पूरी दुनिया में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर पुरानी गाड़ियां सेल कर रहे हैं। खैर, ह्युंडई सोनाटा के अंदर ग्लोबली कुछ इश्यूज भी आए थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा ऐसा होता है कि अगर किसी गाड़ी में कोई मसला आता है या वो गाड़ी अच्छी नहीं होती तो लोग उसको लेना छोड़ देते हैं और कंपनी को इवेंचुअली उस गाड़ी को चेंज करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सेल्स अभी भी जा रही हैं, वो अलग बात है कि गाड़ी 1 करोड़ का प्राइस टैग क्रॉस कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कोई इसकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं है, लेकिन ग्लोबली इसकी सेल्स बहुत कम हो गई थी। और इसी वजह से ह्युंडई ने कहा था कि हम 2022 के अंदर इस गाड़ी को बंद करेंगे और इसकी नई जनरेशन यानी कि 9th जनरेशन को लॉन्च करेंगे। इस गाड़ी को 2-3 साल के बाद ही बंद करना भी एक इंसल्ट थी। इसी वजह से 2023 के अंदर इन्होंने इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है और ये फेसलिफ्ट कोई नॉर्मल फेसलिफ्ट नहीं है जैसे कि टोयोटा क्रोला में आता है या होंडा सिविक में आता है, बल्कि एक बहुत ही मेजर फेसलिफ्ट है। इसमें इन्होंने इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, एक्सटीरियर भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इन्होंने जो बोनट के अंदर लाइट्स जा रही थी DRLs उसको ख़त्म करके इन्होंने एक स्ट्रिप लाइट दे दी है और ओवरऑल इस गाड़ी का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हो गया है। और अगर हम इसके रेयर की बात करें तो इसकी टेल लाइट्स को भी उन्होंने चेंज किया है, जो लोग कह रहे थे कि होंडा सिविक से बहुत मैच करती हैं, उन्होंने उसको ख़त्म करके इसको स्ट्रेट स्ट्रिप में कर दिया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंटीरियर को उन्होंने टोटली रीडिजाइन कर दिया है और इसके इंटीरियर के अंदर 12 इंचेस की दो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं जो कि एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और उसके अलावा इन्होंने स्टेयरिंग भी चेंज कर दिया है और ओवरऑल इंटीरियर चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इस गाड़ी के साथ साथ इन्होंने इंजन में भी कोई चेंजेस किए हैं। अभी ह्युंडई ने ये कोई रिवील नहीं किया कि उन्होंने इंजन को भी चेंज करना है या कोई नया इंजन लेके आएंगे। अभी जो पुराने इंजन चल रहे थे दे आर क्वाइट गुड, ये मेरे ख्याल से अभी भी उन्हीं इंजन को इस गाड़ी के अंदर लेके आएंगे। और ह्युंडई सोनाटा के अंदर 1.5 लीटर से लेके 2.5 लीटर तक के इंजन आते हैं। N-Line भी आती है, N-Line के अंदर 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन होता है जो कि अराउंड 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर 2 लीटर का आता है अमेरिका के अंदर जो कि हाइब्रिड भी होता है नॉन हाइब्रिड भी होता है, और उसके साथ 1.6 लीटर का भी आता है जो कि टर्बो भी होता है नॉन टर्बो भी होता है। और इसके जो ओवरऑल ग्लोबली इसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट आती है, 6-speed ऑटोमेटिक भी आती है, 8-speed ऑटोमेटिक भी आती है, उसके अलावा इसमें DCT भी आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि क्या ये गाड़ी पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। खैर, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, ये गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आएगी। 2023 में ह्युंडई निशात का कोई प्लान नहीं है कि इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लेके आए, और मेरा नहीं ख्याल कि 2024 में भी ये पाकिस्तान में इस गाड़ी को लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने 2021 में इस गाड़ी का प्लांट लगाया है पाकिस्तान के अंदर और ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस गाड़ी को भी बंद करके नई गाड़ी लें, क्योंकि ऑलरेडी वो इलांट्रा और टूसॉन पुरानी बेच रहे हैं। अगर इस सोनाटा को भी पुराना बेच लेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये पर मंथ 100-150 गाड़ियाँ बेचते हैं। खैर, तो हम इस गाड़ी को सिर्फ वीडियोज़ में ही इंजॉय कर सकते हैं, रियल में जब आएगी तब देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और व्हीलर थोड़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।